आज हम कुरकुरी भिंडियाँ बनाएंगे। उसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं, 1 किलो भिंडी, ये 5 अदद दरमियानी प्याज हमने बारीक काट के रखी है, 2 अदद शिमला मिर्च है, इसको भी हमने इस तरह से देखें लंबाई में काट के रखा हुआ है, ये 15 छोटी वाली हरी मिर्चें काट के रखी हुई हमने, 1 प्याली ऑयल, हज़रत नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 4 अदद साबुत लाल मिर्च हमने तोड़ के रखी है। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, ये थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालना शुरू करेंगे। प्याज हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन करके निकालना है वापस। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमने ये ब्राउन करके प्याज को निकाल ली है। अब हम इसी ऑयल के अंदर भिंडी डालेंगे। इसके साथ ही हम ये शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी है, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत लाल मिर्च, इन दिनों भी सीजन नहीं होता है कैरी का, इसलिए मैं इस मौसम में 4 से 5 इमली के ये पीस डालते थे। जब कैरी आना शुरू हो जाए तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कैरी का। अगर एक छोटे साइज़ की कैरी हो तो वो बारीक बारीक काट के वो डाल दी जाए तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है आपके पास कैरी तो आप इमली यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम दम पे लगा देंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस ये दम पे तकरीबन 10 मिनट दम पे लगा देंगे हम इसे। ये हमने जो दम पे रखी थी ये हो चुकी है, बस हम इसकी थोड़ी सी हल्की सी भुनाई करके, ताकि इसमें जो हमने सामान सब एक साथ डाल दिया था तो उसकी कोई किसी चीज़ की स्मेल ना रहे। इसकी भुनाई करने के बाद ये ब्राउन की हुई आधी प्याज हम अभी इसमें मिक्स कर देंगे। बाकी आधी प्याज हम इसके जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे। ये हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें ऊपर से हम जो बाकी बचाई थी हमने ब्राउन प्याज ऊपर से हम डिश में लगा देंगे। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।